मैंने सोचा एक मैं बना रही थी कि टमाटर की चटनी, तो मैंने कहा इसके इसकी फिल्म बना लूँ, वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि ये आजकल टमाटर सीज़न में है और बहुत सस्ते हो गए हैं। कहाँ ये बहुत महंगे चल रहे थे, तो मैंने ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब टमाटर हैं, मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया है, और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, और मैंने 2 प्याज हैं दरमियानी जो मैंने ऐसी मोटी मोटी चॉप कर ली हैं, और 5 से 6 चवे लहसुन के हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला गया, और 1 ही 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और ये मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, तकरीबन तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा गया है इसमें, और ये नमक जाएगा इसमें हसबे ज़ायका इसमें नमक गया है, और हल्दी जाएगी, और 2 ही टीस्पून मैं इसमें पिसी हुई मिर्ची डालूंगी, और ऑयल डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको चूल्हे पे रखती हूँ। देखिए मैंने ये 2 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाली है, और मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इसमें आधा आधा गिलास या आधा कप पानी डाल के और 1 पूरा कप ऑयल डालूंगी, और मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ। देखिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला, आप देख सकते हैं, और मैंने 2 टीस्पून पिसी मिर्चें, 2 टीस्पून कुटी मिर्चें, ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक और हल्दी डाली, और हरी मिर्चें मैंने 5-6 के करीब साथ ली थी, 5 से 6 लहसुन के जवे थे, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी। अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया, अब मैं इसे चूल्हे पर रख रही हूँ, और ये अपने ही पानी में गलेगी और पकेगी। देखिए ये चटनी मेरी, मैंने कहा आपको इसकी शक्ल और पोजीशन दिखा दूं। अभी इसमें पानी है और ये तकरीबन टमाटर इसके गल चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा और घोटूंगी, और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी और फिर इसे हम भून लेंगे। ये देखिए मैंने मेरी तकरीबन चटनी जो है रेडी है, इसको अब मैंने इसको सिर्फ घोटना है, और टमाटर सारे गल चुके हैं, और फिर घोट कर मैंने इसको तम पे लगा देना है ताकि इसमें जो तार है वो ऊपर आ जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी चटनी जो है करीब रेडी है। अब मैं इसमें, मैंने इसको हैंड ब्लेंडर था उससे थोड़ा सा डाल के इसी में ब्लेंड कर दिया। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, नमक मिर्च हर चीज़ सही है, और थोड़ा सा मैं इसमें सिरका डालूंगी 2 टेबल स्पून, ताकि ये ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रह सके और ख़राब ना हो। ये देखिए मैंने इसमें करीब 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डाला है, और अब मैं इसको खूब अच्छे से दम पे रखती हूँ, और इसमें मैं हरा धनिया काट के डालती हूँ, इसमें तार आ जाएगा। ये आप पिज़्ज़ा सॉस पे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा केचप और मिक्स हर्ब मिला के ये स्लाइस पे लगा के खाइए, अंडे के साथ किसी भी फॉर्म में खाइए, चटनी बहुत मज़ेदार होती है। मैं इसको धनिया डाल के फिर इसको आखिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरी चटनी रेडी है, आप देख सकते हैं इसके उसके ऊपर ऑयल भी आ गया है, अब ये रेडी टू सर्व है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो जो जहाँ जहाँ मुझे देख रहा है उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मे हसन आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।